हरियाणा सरकार के रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू के ऐलान के बाद दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद में पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई। इसका ताजा उदाहरण दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में देखने को मिला, जहां पर थाना मुजेसर की पुलिस रात में मुस्तैद नजर आई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 25 वाहनों के चालान किए। जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उनके चालान काटे गए और जो कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे थे उनके चालान काटे गए और चालान काट और उनके वाहनों को इंपाउंड भी किया गया और उन्हें सबक सिखाया गया। बता दें कि देश में मंगलवार को बढ़ रहे कोरोना के मामले एक बार फिर से चौंकाने लगे हैं। वहीं बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए देश के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने भी रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा की है। इस आदेश के आने के बाद हरियाणा पुलिस अब अलर्ट मोड पर आ गई है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि रात में जब प्रेस कॉलोनी इलाके में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां और मास्क प्रयोग ना करने की सूचना पर मजेसर थाना पुलिस ने छापामारी की तो वहां पाया गया कि बहुत से लोग जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे थे, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था और जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। पुलिस ने ऐसे लोगों के ना केवल चालान किए बल्कि कई वाहनों को इंपाउंड कर दिया, जिसमें पटाखे मारने वाली एक बुलेट भी शामिल थी। वहीं थाना मुजेसर के एसएचओ संदीप कुमार की माने तो सरकार के आदेश के बाद वह पूरी तरह से सरकार के आदेशों की पालना करवाने में जुटे हुए हैं। सरकार ने बढ़ते कोरोना के मद्देनजर कर्फ्यू की जो घोषणा की है वह हर संभव तरीके से सरकार के आदेश की पालना करवाएंगे ताकि बढ़ते कोरोना महामारी से बचा जा सके। एसएचओ संदीप कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और कर्फ्यू समय में लोगों को घर से नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। सर, रात्रि में भी चालान किए जा रहे हैं, किस किस चीज के चालान किए गए हैं? देखिए, हरियाणा सरकार ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है जी। लोगों से अपील है कि वो रात के समय घर से बाहर नहीं निकले और नाइट कर्फ्यू की पालना करें जी। और इसी जो सारण थाने का जो इस रोड है यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की और मास्क की शिकायतें आ रही थी कि लोग इसकी पालना नहीं कर रहे हैं जी। तो हमने इस संबंध में आज 25 चालान विदाउट मास्क किए हैं जी और एक मोटरसाइकिल जो जिसमें पटाखे बज रहे थे उसको इंपाउंड किया। लोगों से क्या अपील करेंगे? जैसे कोरोना बढ़ रहा है, सरकार ने यह कर्फ्यू किया है। माननीय कमिश्नर फरीदाबाद श्री ओपी सिंह जी द्वारा बार बार लोगों से अपील की जा रही है और हम भी अपने अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना दोबारा से फैल रहा और इसको रोकने के लिए सरकार ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है, इसकी लोग पालना करें और हम इसकी सख्ती से पालना करवाएंगे। थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।